फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जीरा जूस, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है समर, तो समर के हिसाब से हमें हेल्दी जूसेस पीना चाहिए। सो मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर लिया है और पैन भी रख दिया। थोड़ा गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के जीरा डाला है और देखिए ये अच्छे से इसको भून लेना है। जितना मतलब आपको फ्लेवर चाहिए उसके हिसाब से आप भून सकते हैं, कम ज़्यादा। सो मैं यहाँ पर मीडियम से भून रही हूँ। जितना आप इसको मतलब भूनेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ये अच्छे से भून लेंगे। ये हमारा करोने के बाद ना फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने सोचा कि अभी ये जीरा जूस बनाते, क्योंकि बहुत ही गर्मी स्टार्ट हो गया है, समर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। सो डेली मैं एक एक जूसेस बना के रखूँगी। तो अभी ये अच्छे से ब्राउन हो गया है और थोड़ा सा ब्राउन होना है। ये देखिए ब्राउन हो गया है। तो मैंने यहाँ पर हाफ बॉटल मैंने पानी डाला है। उसके बाद इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे, बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये देखिए कितना अच्छे से बॉईल हो गया। तो मैं अभी ये इसको मिक्सर में ट्रांसफ़र करूँगी। ये देखिए पूरा मैंने डाल दिया है, जो बचा था वो भी मैंने डाल दिया है। सो अभी मैं अच्छे से फाइन पेस्ट कर लूँगी इसको। ये देखिए अगर उसमें थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होंगे तो भी कुछ नहीं होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको छानना है तो आप छान भी सकते हैं। तो मैंने बिना छाने इसमें जूसर बॉटल में फिर से मैंने डाल दिया है इसमें। तो ये हम लोग मोस्टली 2 वीक्स तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको थोड़ा सा डेकोरेशन, और मैंने इसको सर्कल में पूरा लेमन लगा दिया है। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के इसको लगा दिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है जूस। जितना आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हैं मेजर के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक और ये नॉर्मल साल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, आपके हिसाब से डालिए आपको जितना चाहिए। और ये 1 टेबलस्पून मैंने डाला है चीनी मतलब शुगर। इसमें कोई भी मतलब मेजरमेंट्स नहीं है, वो आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। और फाइनली मैंने डाला है इसमें हाफ लेमन, और इसमें जितना आपको पानी चाहिए उतना आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप भी घर में ट्राई कीजिए, ये ज़रूर बहुत ही अच्छा लगेगा और हेल्दी भी है। और ये देखिए फिर मैंने पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से आइस क्यूब्स। तो फाइनली हमारा ये जूस रेडी हो गया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए घर में, ये मोस्टली पूरा तैयार हो गया है। तो अब मैं कर रही हूँ सर्विंग। और ये हमारा चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही प्यार दीजिए। सो लाइक सपोर्ट शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंशाल्लाह टेक केयर, बाय।